आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चिराग पासवान LJP यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट के अध्यक्ष हैं। ऑस्ट्रेलिया से करीब एक सप्ताह के बाद लौटे हैं और जब लौटे तो पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनको घेरा और पूछा कि ऐसा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको ख़त्म कर देना चाहती है, लेकिन कैसे ख़त्म कर सकती है, हम ख़त्म नहीं हो सकते। और यही सवाल था चिराग पासवान से कि आपकी भी पार्टी क्षेत्रीय है तो पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को जो है वो भाजपा ख़त्म कर देना चाहती है, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि ऐसा नहीं है। पार्टी की, बीजेपी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो सबके साथ मिल के चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। बिहार दौरे पे आए थे, उन्होंने कहा क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करना है, परिवारवाद उसे खत्म करना है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पार्टियां और नेता सिर्फ और सिर्फ जनता बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का एक हिस्सा रहा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर अंतोगत्वा मुझे लगता है कि तमाम बातें जनता के हाथ में है। जनता किस राजनीतिक दल को देखना चाहती है, भाई मेरी पार्टी को समाप्त करने का तो पूरा प्रयास किया, पूरा षड्यंत्र मौजूदा मुख्यमंत्री के द्वारा रच ही दिया गया था। मेरी पार्टी के 6 में से 5 सांसदों को तोड़ दिया गया, क्या हुआ, समाप्त हो गई। आज भी जिस तरीके से जनता का प्यार मेरे कार्यक्रमों में आप देखते हैं, जिस तरीके से मुझे मिलता है, अंतोगत्वा मैं मानता हूँ जनता ही आपको बनाने वाली है, जनता ही आपको समाप्त करने वाली होती है। ऐसे में उनकी पार्टी की एक आइडियोलॉजी जरूर है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनकी वो सोच हो सकती है, परंतु अंतोगत्वा मेरा विश्वास जनता। तो आपने सुना, भाजपा जो है क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है, इस पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। लेकिन जैसे ही हमने सवाल किया कि मीडिया को उनके विधायक गाली देते हैं, तो उन्होंने इसकी बड़ी भसना की और कहा कि कोई भी दल हो, किसी भी दल को, किसी भी नेता को मीडिया, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आपको गाली देने का हक नहीं है किसी को। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान इस मुद्दे पे, गाली वाले मुद्दे पर, आपको सुनाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हम बार बार हम इस बात को कहते हैं कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ऐसे में पत्रकारों पे किया गया कोई भी हमला, ये लोकतंत्र पे ही किया गया हमला। इस तरीके से गाली गलौज करना, जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये दर्शाता है उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को, जो पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके के बर्ताव की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं खुद स्वयं घोर निंदा मैं करता हूं, और भविष्य में नेताओं को इस तरीके के बर्ताव से बचना चाहिए। तो आपने सुना, ये थे चिराग पासवान। हमने दो मुद्दों पर बात की और दोनों पर बड़ा सटीक जवाब चिराग पासवान ने दिया कि नहीं, पार्टी की, बीजेपी जो है पार्टी, उसकी एक आइडियोलॉजी है और ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। वहीं गाली के मुद्दे पर कह दिया कि ये किसी को भी हक नहीं है। चिराग पासवान उसके बाद निकल गए अपने पिता के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने खगड़िया के शहर बन्नो। वो तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि कैसे अपने पिता के पुण्यतिथि पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दोनों माँ, उनकी बड़ी माँ और चिराग पासवान की जो माँ है, दोनों देखिए तस्वीरों में हम छोड़े जाते हैं आपको। आप बने रहिए हमारे साथ।